तेरे दिल की तमन्ना जो बनना चाहे बने मोहम्मद फिर नहीं बन लिखे जो लेकिन आज के इस माहौल में क्यों
तब मुझे ध्यान में आया कि इसके मन में संगीत के बजाय आज देश में चल रही घटनाओं के प्रति सवाल जा रहा है। तब मैंने कहा कि जब बहुत शोर होता है, जब बहुत आवाजें आती है, तब इन सब शोर और आवाजों को अगर एक सुर में लाना चाहिए तो रफी साहब के सवाल और इसके लिए शोर आने वाली आवाजों को एक सुर में लाने का एक प्रोग्राम है। रफी साहब ने यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया है। रफी साहब को आज इस देश में 130 करोड़ लोग आबादी वाले देश में करोड़ों लोगों को कुछ ना कुछ दिया है। जब वो गम में था तो उसको गम सहन करने की ताकत दी है, जब वो खुशी में था तो खुशी से झूमने की ताकत भी दी है, जब अकेला था तब अकेलेपन से डर नहीं दिया है, जब देशभक्ति की भावना से प्रेरित होना चाहा तो उसको प्रेरणा दी है, जब उसको लगा कि किसी से बिछड़ने का ये दुख मुझे सहन नहीं होगा तो उस बिछड़ने के दुख को हल्का भी किया है, किसी से मिलने की खुशबू भी दी है। और इसके लिए रफी साहब ने हर किसी को बहुत आज विशेष रूप से और एक चीज का यह उल्लेख करूंगा, हमारे एक मित्र कवि रोक्षा यशवंत जी यहां पर आए हुए हैं। ये ऐसे इलाके से कवि आते हैं बहुत गरीबी से अपने जीवन को जीने वाले इस कवि की किताबें अपनी बेस्ट सेलर किताबें आप में से बहुत सारों को इनके पास देखकर लगेगा भी और इनकी किताबों को और इनकी किताबों पर कविता पर फिल्में भी बनाई गई। और अगर ये मैं कहूं तो आपको अचरज होगा कि गुलजार साहब को जब भी मराठी में कुछ कविताएं करनी होती है तो हिंदुस्तान में सिर्फ इस कवि का नाम आता है। आप दोनों सुपुत्र से ये विशेष रूप से कहना चाहूंगा तो उन्होंने मुझे कहा मुझे तीन चीजों से मिलती है लेकिन सबसे ज्यादा एक चीज है, तो मैंने पहले कहा कि पहली दो चीजें और बताइए जिससे मिलती है लेकिन सबसे ज्यादा वो मिली है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जब मुंबई में सीएसटी स्टेशन की तरफ आता हूँ तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखता हूँ जो अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है उसको देखता हूँ तो फौरन इसी नाम और प्रेरणा यहां से मिलती है, मतलब बहुत अच्छी बात है। उस दूसरी मुझे जब मैं समंदर किनारे खड़ा रहता हूं तो यह समंदर मुझे बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा जब भी मैं गांव से आकर मुंबई में आता हूं तो जा रफी साहब का घर है उस दीवार पर दो मिनट खड़े हो जाता हूं। और इसलिए जब भी आते हैं तो शायद आपको भी पता नहीं होगा, आपको भी पता नहीं होगा कि रफी साहब के घर के दरवाजे के वॉल पर दो मिनट खड़े होते हैं और वहां से प्रेरणा लेकर से। और मुझे लगता है यही आज ऐसे दो हमारे सम्मान्य को हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, सुरेश भोसले जी जो स्वयं रफी साहब को चाहने वाले तो है ही लेकिन आज के इस स्टेज के परफॉर्मेंस के जमाने में जो आदमी सब कुछ कर सकता है, सब कुछ है सब कुछ, उसका नाम सुरेश भोसले। और हमारे चित्रगुप्त जी के पुत्र मिलिंद जी जो स्वयं भी एक बहुत बड़े संगीतकार है, अभी फारूक साहब मुझे बता रहे थे जब रफी साहब के गाने सुनते सुनते उन्होंने कहा हमारी जवानी वहां से शुरू हो गई तो हमारे जैसे लोगों की जवानी इनके गाने सुनते हुए कयामत से कयामत। तो ऐसे मिलिंद जी भी यहाँ पर आए, चित्रगुप्त जी के सुपुत्र उनके परिवार के सदस्य भी आए, पत्नी आई है, बेटी आई है, उनका भी स्वागत करते हैं। और सबसे विशेष बात रफी साहब की आवाज को उसमें कितना दम है कि फारूक साहब लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो टापू जो है हिंदुस्तान का ऐसा टापू है कि दुनिया के नक्शे कदम पर उसको स्ट्रेटेजिक बहुत महत्व है।
उस टापू के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वहां से जब कश्मीर में 370 और बाकी चीजें शुरू हो गई, और जब कश्मीर अपने आप में हर भारतीय ने उसको सम्मानित किया कि अब कश्मीर अपना भाग हो गया, तब वहां की स्थिति को संभालने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके प्रिंसिपल एडवाइजर भी फारूक साहब वहां। दो दिन पहले मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि मुझे पता है कश्मीर की हालत में आपने बहुत सुधार लाया है, कश्मीर के अपना इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, आप उस पर बहुत काम कर रहे हो, लेकिन रफी साहब के सपोर्ट के लिए आपने आना पड़ेगा। मेरे मन में था कि बहुत सारी मीटिंग होगी, बहुत सारे डेलीगेशन होंगे, वहां नेशनल इंटरनेशनल लोग जाकर कुछ ना कुछ खामियां ढूंढने का काम कर रहे हैं। उस समय पर इतने बड़े अहदे पर जो हमारा भाई बैठा है वो कैसे समय निकालेगा। लेकिन दो दिन पहले मैंने फोन किया और फारूक साहब आज रफी साहब के लिए यहाँ पर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि गाने और भी सुनने हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आशीष। कई सारी आवाजें, कई सारी की और एक अपनी सी पहचान जिनकी हमेशा से बनती रही, वही सुदेश भोसले साहब। अपने हमारे सम्मानित अतिथि जो फारूक गांधी से मिला, शुरू का आप पुरस्कार प्रदान करें सुदेश जी को। सुदेश जी की एक हमारी सी आवाज है, हमने हमेशा से इनकी आवाज में साहब जैसी हस्ती, उनके जैसा इंसान, जो भी उनके बारे में सुना है
उनको कभी मिला नहीं, मिला तो मैं रेडियो के जरिए मिला, बिना रंगीन माला रेडियो सुना अमित सहनी साहब के जरिए मिला। जो कुछ भी सुना है बचपन से वही करने की कोशिश करते हैं, और ये सम्मान जो मिला है जिससे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि आगे जाकर मैं साफ सुथरा काम ही करूं। अच्छा मनोरंजन आपको तो आज तक मैंने कभी कोई मंदिर किया नहीं, लेकिन जिम्मेदारी और बढ़ गई। इतना ही कहूंगा, उनके परिवार को मैं नमस्कार करता हूं। आपके पिता ने मुझे से हजारों नहीं लाखों में करोड़ों कलाकारों का आज भी वो घर चला रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आशीष जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता, और आप सबको जिन्होंने मुझे आज तक लगभग 40 साल होने को आए, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। सेवा क्यों, मैं बस आपकी वजह से जिंदा हूँ। जब तक आप तालियां वंस मोर देते रहेंगे हमारे सांसद जैसी अपनी आदत से मजबूर हूँ, एक आवाज में तो गा नहीं सकता हूँ। एक बार पंचम गाने रवि साहब को बुलाया और कहा कि ये गाना थोड़ा ऊंचा है क्योंकि मैं ऊंचा गाता हूँ। रवि साहब ने कहा देख लेंगे, और बस वही है, कल हम कहाँ तुम कहाँ। मैं चाहूंगा आज थोड़ा तो कोशिश करता हूँ, मतलब श्रीकांत जी जैसे रवि साहब का मैं गीत गा नहीं सकता हूँ, दो दो आवाजों में गाने की कोशिश करूंगा। अरे बढ़वा लता जी और अमित जी ने उसमें आवाज दी है। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था 1995 में, मैंने इस गीत को पेश किया था आदरणीय लता जी के साथ न्यूयॉर्क में। उसमें पहली बार रेखा जी और अमिताभ बच्चन, तो गाना तो नहीं दो लाइन सुना था सिलसिला से। मैं और मेरी बातें करते हैं तो होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम उस बात पे कितनी हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का एक बहुत ही मशहूर गाना था जिसे लता जी ने गाया था, लोरी थी, बहुत ही खूबसूरत लोरी थी। यशोदा का याद है, तो उन दिनों ये लोरी बहुत फेमस थी, मशहूर थी, हर माँ अपने बच्चे को सुनाने के लिए यही लोरी गाती। लेकिन एक दिन इस लोरी की बदनसीबी से असरानी की पड़ोस उनके पास आई, कहने लगे भाई साहब मेरे बच्चे को संभालिए। तो असरानी जवाब देने से पहले पड़ोसन जो बच्चे को उनके सामने रखकर निकल गई शॉपिंग के लिए। तो असरानी ने जैसे बच्चे को देखा, बच्चे ने जैसे असरानी का चेहरा देखा, तो नेचुरली फूट फूट के रोने लगा।